देखिए ये कैसे ऊपर चढ़ रहा है, इसको चढ़ाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद ही चढ़ जाता है ऊपर ऐसे स्लैब पे, बाल्टी नीचे रख के और उसके ऊपर देखो खुद ही चढ़ गया स्लैब पे। और अब सारा सामान छेड़ने बैठ गया मेरा, मसाला और ये सब चीजें आ गया ऊपर, छेड़ूंगा ये ऐसे छेड़ता है देखो खुद ही चढ़ जाता है, अब इसको किसकी जरूरत है स्लैब पे चढ़ाने की। और मैं अभी ये प्याज फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद टमाटर डालूंगी। और आज हम आलू सेव की सब्जी बनाएंगे, बनने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी सेव टमाटर की सब्जी बनके तैयार है और अभी हम पराठा बना रहे हैं, पराठा बनाएंगे और फिर हम नाश्ता करेंगे। देखिए मैं नाश्ता बनके तैयार है, इधर चाय और पराठा और सब्जी ली है, अभी हम नाश्ता कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद हम बर्तन साफ करेंगे और उसके बाद हम और कुछ करेंगे, उसके बाद नहाना धोना करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे। गाइज हम नहा धो के तैयार हो गए हैं, मम्मी भी तैयार नहला दी थी और लव को नहला दिया, वो फिलहाल अभी सो रहा है तो वो सो गया, तो मैं भी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अभी मेरे बर्तन बाकी हैं, मैं बर्तन साफ करूँगी। और हाँ मैंने कल एक चप्पल ली थी, तो वो देखो चप्पल देखिए, ये सिर्फ 100 रुपए की चप्पल है, मैंने 100 रुपए की चप्पल खरीदी थी और मार्केट में तो ऐसी चप्पल 200 से या 150 से कम की मिलती ही नहीं है और मैंने ये सिर्फ 100 रुपए की खरीदी है। ये देखिए हमने ऑनलाइन में एक प्रोडक्ट मंगवाया है, इनकी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने खोल लिया था, फिर एक हाथ से खोलने में प्रॉब्लम होती है, ये मंगवाया है, ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाया कपड़े रखने का, इसमें कपड़े रखने की ऐसे गैप है देखो, तह कर करके हम इसके अंदर यूं डाल देंगे कपड़े। और ये ऐसे चार पीस आए हैं 400 रुपये में और ये अच्छा है। मैं ये इसमें कपड़े रखने के बाद सेट करने के बाद भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो शरारती क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए तैयार हो रहा, ग्लास ले लिया, एक हाथ में चिप्स, वो कप की दी हुई है चिप्स, अभी तक इससे वो चिप्स खाई नहीं गई और वहाँ जा के बैठे हैं राजा जी। वहाँ क्यों बैठ गया, हमारे पास अच्छा नहीं लगता, आ जा इधर नीचे उतरो। ये ऐसे ही करते करते है ना, हमारा ध्यान होगा नहीं और ऐसे ही करते 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 ऊपर पहुंच जाएगा, ये चालाक है चालाक। अब कह रहा मुझे झूले में बिठा दो, इसको झूले में बैठना था, हमने इसको झूले में बिठा दिया है ना, मजा आ रही है, बैठ गया झूले में और झूलेगा ये थोड़ी देर, उसके बाद बोर हो जाएगा तब फिर रोने लग जाएगा, उतारो उतारो उतारो। हमारा खाना बनके तैयार है, दोपहर के 2 बज गए हैं और खाना बनके तैयार है, सलाद और सेव टमाटर की सब्जी और रोटी, और अब हम खा लेते हैं और खाएं। देखिए ये अभी ऐसी बिखरी पड़ी है, देखिए गाइस पहले कैसे बिखरे हुए थे कपड़े और अब इन डब्बों में डाल के कैसे सही से जच गए हैं कपड़े देखिए। और अब देखिए जगह भी कितनी बाकी रह गई है और पहले पूरे में यूं ही फैले पड़े थे। गाइस ये देखो रेवाड़ी की नहर है, लोग यहाँ पे गंदा चीज फेंकते हैं, देखो ये सारी कैसे ये डंडा बह रहा है, वहाँ लकड़ी बह रही है और ये देखो कितनी दूर तक है। और मैं रोड के उस साइड भी आपको जाके दिखाती हूँ, यहाँ से आपको दिख ही रही होगी ये बहुत दूर तक है।
और एक मिनट, ट्रैफिक आ रहा है, लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, ये मेन रोड से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, ट्रक जा रहा है। देखिए ये नहर कितनी बड़ी है, वहाँ दूर तक है, और अब इसमें पानी भर गया, बारिश आई थी ना उसके बाद, नहीं तो पहले पानी कम था, अभी तो ये इधर से तो साफ लग रही है, नहीं तो पहले तो बहुत गंदी थी। और ये यहाँ का ये वो वहाँ पे आपको थोड़ी दूर दिखाई दे रहा होगा, वो पुल है वहाँ पे, आप देख सकते हैं ये किसी का खेत है, लोग यहाँ पे अपनी फसल काट रहे हैं, गेहूं की फसल कट रही है, और वहाँ देखो काट के वहाँ दाने भी निकाल रखे हैं, देखो वहाँ दाने भी निकाल रखे हैं, और वहाँ दूर भी, वहाँ दूर भी दाने निकल रहे हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर भी नहीं, स्कूटी खड़ी है वहाँ, तो स्कूटी खड़ी है, और ये लड़का मेरे से स्कूटी की चाबी खोंस रहा है। और यहाँ पे फ्रूट की दुकान भी है, और ये गोलगप्पे वाले भैया की दुकान भी है, और यहाँ पे ये हेडपम्प लग रहा है, लोग इसमें से पानी लेने भी आते हैं। भैया की दुकान रेडी है, हम यहाँ पे अभी गोलगप्पे खाएंगे, इनके गोलगप्पे बड़े अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। अभी ये भैया, ये देखो यहाँ भीड़ लगी रहती है, और अभी हम भी खाएंगे गोलगप्पे, हम आपसे गोलगप्पे खा के घर जाके फिर मिलते हैं। हाँ, हम गोलगप्पे खाने खा रहे थे, वहाँ से हम घर आ गए थे, वहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, टेस्टी, और जोरेवाड़ी से है, और जिसको अगर खाना हो तो वो वहाँ जाके खा सकता है, वो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं। वहाँ से हम आ गए थे खा के, उसके बाद हम घर का काम करने लग गए, जैसे करना ही होता है घर का काम, तो अब घर का काम किया, खाना वाना मैंने खाया, दूध दूध पिया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, और उसके बाद अब फाइनली हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब रात हो गया, गुड नाइट का टाइम हो गया और सोने का टाइम हो गया। आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, गुड नाइट, ओके, बाय बाय।